हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबके दिन बहुत बढ़िया बढ़िया जा रहे होंगे। तो थंबनेल से पता लगी कि आपको कि हम जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं MBBS कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर से सिक्स्थ ईयर तक जो भी स्टूडेंट्स मेरे को मिले हैं आज, तो उनसे इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि एडमिशन इन्होंने यहाँ लिया है, कैसी स्टडी चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियो सब तक पहले पहुँचे, और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने इंडियन स्टूडेंट से। हेलो एवरीवन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हर्षित सिंह। हर्षित सिंह, हर्षित, हर्षित सिंह। आई एम फ्रॉम प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। आपका नाम? अद्वित। अद्वित, आप कहाँ से हैं? मुंबई। आप मुंबई से हैं, क्या बात है। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष है और मैं भी मुंबई से ही हूँ। अच्छा, आप तो मुंबई से हो, आप प्रयागराज से हो। तो आपने कब एडमिशन लिया था यहाँ पे? हम लोग तो यहाँ पे दिसंबर में आ गए थे। मुझे बताओ MBBS का जो कोर्स है कितने साल का है यहाँ पे? यहाँ पे तो सिक्स ईयर का है। सिक्स ईयर का है, सेम लाइक कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। और आपकी मैं फीस की बात करूँ, टोटल लोग कितने हैं? फीस तो ऐसे 30-35 लाख तक, ठीक है। अलग एक्सपेंस आप पे डिपेंड करता है, आप कितना खर्च करते हो इसमें। हॉस्टल इंक्लूड है? 30 लाख में नहीं, हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो आपको $2,000 देना पड़ेगा सिक्स मंथ पे, ठीक है। अगर वैसे आप नॉर्मली रहो तो यहाँ पे रूम्स लेकर रहते हैं, वो सस्ता पड़ता है। तो आप रूम में रहते हैं? यूनिवर्सिटी हॉस्टल में? आप हॉस्टल में सारे? अभी आई थिंक फर्स्ट ईयर मैंडेटरी होता है शायद, वही है ना? नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, वहाँ पर फर्स्ट ईयर मैंडेटरी है, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और आप विंटर्स में आए थे यहाँ? विंटर्स। तो यहाँ बर्फ़ कितनी पड़ती है? पड़ती है, अच्छी पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है। अच्छी खासी पड़ती है, ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ठीक है। आपको एक साल हो गया ना? नहीं, छः महीने हो गए हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट एक साल या छः महीने आपको हो गए हैं। तो स्टडी इंडिया के अकॉर्डिंग इजी है यहाँ पे या हार्ड है? थोड़ा इजी है, थोड़ा इजी है। और जो अपने फैकल्टियाँ इंडिया से हैं या यहीं की हैं? यहीं से है, बट इंग्लिश में सिखाते हैं सब, ठीक है। यहाँ इंडियन कोई फैकल्टी नहीं है? कोई नहीं है इंडियन यहाँ पे? यहाँ पे इंडियन कोई फैकल्टी नहीं है, जितने भी है सब जॉर्जियंस हैं, ठीक है। और यहाँ के रेजिडेंट्स सारे, ओके, एंड दे आर ग्रेजुएट्स इन इंग्लिश, सो दे टीच इन इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ? सो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड उसका भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिक्स ईयर्स का एक स्ट्रक्चर है MBBS का फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन उसका फीस है $5,500 पर ईयर, पर ईयर है। आप तीनों सेम यूनिवर्सिटी में ही हो? तीनों सेम में ही हो ना? अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी है, स्टडी के साथ साथ जॉब कर सकते हो आप यहाँ? हाँ, कर सकते हैं, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है और फुल टाइम भी है। मोस्टली जो जितना भी सुना है स्टूडेंट्स से, जो सीनियर्स है, वो लोग पार्ट टाइम जॉब प्रेफर करते हैं, लाइक डिलीवरी या ऐसे। हाँ, मैं तो, कल मिला था, डिलीवरी कर रहे थे, तो फिर वो एक अच्छा इनकम है, सोर्स है। और उसके साथ यूनिवर्सिटी के जो टाइमिंग्स है क्लासेस के, ठीक है, वो इतना बर्डन नहीं है, तुम लोग इजीली वीक में कर सकते हो कवर, तो फिर इतना बर्डन नहीं है, तो जॉब भी करते हैं मोस्टली बच्चे। तो जॉब का कुछ क्राइटेरिया है कि हफ्ते में इतने दिन कर सकते हो या फुल टाइम, मतलब पूरा दिन कभी भी कर सकते हो जब आप? हाँ, अभी डिलीवरी का सेट, ये अलग अलग सेट्स रहते हैं टाइम के, तो वैसे तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। जैसे क्लास से आप निकले, आप अपनी एप्लीकेशन ऑन करो और डिलीवरी के चले जाओ। आपने शुरू किया किसी ने अभी? नहीं, हमारे भाई फ्रेंड से उन्होंने किया, पर अभी छुट्टी है तो सोच रहे हैं करने का अभी। चलो, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और पॉकेट मनी भी आ जाएगी, थोड़ा लाइफ स्टाइल और अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा ना? पेरेंट्स को बर्डन नहीं आएगा, ऐसा ही है। तो एज पर योर थिंकिंग कितना कमा लेते होंगे महीने का वो स्टूडेंट? स्टूडेंट तो एक दोस्त है, वो एक कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक है। तो फिर उसका सैलरी था मे बी अराउंड 60-70 लारी पर डे, पर डे 60-70 लारी पर डे। हाँ, एक कॉल सेंटर में यहाँ जॉब करता था, ठीक है। तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, ठीक है। तो 60-70 लारी पर डे प्लस कमीशन जो सेल करता है वो, तो पर कमीशन के ऊपर एक्स्ट्रा प्लस, ठीक है। तो अराउंड वो 80-90 लारी कमाता था हर दिन का, पर वो फुल टाइम जॉब था, ठीक है। 2500 रुपए अपने इंडिया का पर डे के हिसाब से, ओके। और इसका, और अगर डिलीवरी करोगे तो 65-70 हज़ार रुपये महीना कर रहा था वो। और डिलीवरी में? डिलीवरी कर तो जितने पर डिलीवरी का इनकम रहता है, पर डिलीवरी पे मिलता है 180-170 लारी है डिलीवरी का ट्रांसफर। और वो डिपेंड करता है कि आप किस समय करते हो, 12 से 3। ये पर डे की बात कर रहे हो? हाँ, 12 से 3 के बाद रात में कर रहे हो। हाँ, बारिश में कर रहे हो। हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपके कंडीशंस पे। तो इस हिसाब से तो ये मोर देन 1 लाख रुपीज, नियर अबाउट 1 लाख हो रहा है।
इतना कमा रहे हैं हाँ इंडिया के हिसाब से हमारे फ्रेंड्स हैं। अगर यहाँ कमा के यहाँ स्पेंड कर रहे हो तो इतना ज्यादा नहीं है नहीं, वो नॉर्मल टर्न नॉर्मल। अगर आप यहाँ से इंडिया सेंड कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चे कमा रहे हैं फ्रेंड्स हैं तो उसी बात हुई तो बोला इतना है। ये क्या ये ब्लू कलर का बैग है वही कंपनी है ना, क्या नाम है? ग्लोबो। ग्लोबो हाँ, तो यहाँ एक एप्लीकेशन है फूड डिलीवरी की ग्लोबो ग्लोबो, तो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं कुछ आपको ना, कुछ देना पड़ता है अपना 100 नारी पहले देना पड़ता है 100 लाख देना पड़ता है आपको ज्वाइन करने के लिए। वो एज ए सिक्योरिटी होता है या क्या? सिक्योरिटी, जब आप बंद करोगे तो वो वापस कर देंगे आपको। और वो साइकिल वगैरह किसकी होती है? साइकिल खुद की लेनी पड़ती है, साइकिल खुद की लेनी पड़ती है, रेंट पे लेते हैं बच्चे या फिर खरीद लेता है, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी रहता है तो वो भी ले सकते हो। अच्छा, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कुछ भी लेना हो, ठीक है। और ये 24 आवर्स चलता है काम? जो होटल्स रहते हैं लाइक कुछ 24/7 रहता है, तो उधर से डिलीवरी 24/7 चालू रहता है, ठीक है। प्लस ये अपने ग्रोसरीज और ये जनरल दुकान से भी डिलीवरी चालू रहती है। दोस्तों ये देखिए, अपने इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं साइकिल पे और ये फूड डिलीवरी कर रहे हैं, और फूड डिलीवरी कंपनी का नाम है वोल्ट। तो ये पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट कर रहे हैं और 1,00,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के MBBS स्टूडेंट से मिलवाया था, वो लोग भी थोड़ी बहुत जॉब करते थे पर इतनी अर्निंग नहीं थी जितनी जॉर्जिया में है। तो मोर देन 1,00,000 और 1,00,000 रुपए तो महीने का कमा रहे हैं इंडिया के हिसाब से, पर अगर यहाँ स्पेंड करेंगे तो वो अमाउंट कुछ भी नहीं है। बट यहाँ से आप कमा के फैमिली को भी सेंड कर सकते हो कुछ अमाउंट, ऐसा ही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी जो आपका स्टडी वीज़ा है वो कितने साल का है? वो तो अभी हम लोगों का 1 ईयर 6 मंथ पहले 1 ईयर का मिलता फर्स्ट ईयर में, और फिर जब रिन्यू कराया था 5 ईयर्स का मिल जाता है। अच्छा, और TRC फर्स्ट ईयर 1 ईयर का होता है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से फिर 4 साल का और एक्सटेंड, या 5 ईयर्स का एक्सटेंड हो जाता है। ओके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अर्निंग की भी। तो आपने क्या सोचा है फ्यूचर में, यहीं सेट होना है या इंडिया वापस जाना है? यहाँ पे सेट करना हार्ड है क्योंकि आफ्टर 6 ईयर्स इनकी लैंग्वेज पास करनी पड़ती है। ओके, लैंग्वेज कोर्स भी होता है यहाँ पे, तो फिर लैंग्वेज पास करने पे इधर आप जॉब कर सकते हो लाइक एज अ डॉक्टर। ओके, तो लैंग्वेज एज अ हार्ड है कि पास करना लाइक पूरा एज अ अर्निंग एज अ डॉक्टर। ओके, आफ्टर 6 ईयर्स अब्रॉड मे बी US और बैक टू इंडिया विल बी बेटर। ओके, तो 6 साल के बाद आप यहाँ से स्विच करके कहीं और जा सकते हो, या यहीं लैंग्वेज का टेस्ट पास करते हो तो यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो आप इंडिया में तो कर सकते हो। इंडिया में तो ऑलवेज वेलकम है आपका, क्यों सारे आप फ्यूचर डॉक्टर हो मेरे साथ MBBS। इंडिया में ही जाना है, यहाँ क्यों रुकना। चलो कुछ अच्छी बात है, अपने इंडिया के लिए भी कुछ करोगे। बट जो लोग चाहते हैं कि इंडिया से बाहर आके कमाना चाहते हैं, स्टडी भी करना चाहते हैं और साथ में, अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको लगता है कि अगर वो फर्स्ट ईयर की फीस लगी इंडिया से अपने यहाँ पर आ जाए और उसके बाद फीस निकाल सकता है स्टूडेंट अपनी? एक बार इन्वेस्ट कर दिया लाइक अगर अपने यूनिवर्सिटी में डाल दिया $500 तो फिर वो यूनिवर्सिटी में ही रहता है, ठीक है। तो एवरी सेमेस्टर अगर एक सेमेस्टर हुआ तो कट हो जाता है सेकंड सेमेस्टर के, और इट्स लाइक अ GIC। हाँ, GIC US कनाडा में जब वहाँ वही वैसा ही है ना GIC है। अगर आप एडमिशन लेते हो एक महीने के अंदर अगर यहाँ जाते हो तो चांस है आपका 15 दिन 20 दिन एक महीना, क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं कॉलेज, तो आपका रिफंड होगा कुछ काट के। अदरवाइज एक महीना ऊपर हुआ फिर पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि वो विवेक आया था जो तो वैसे ही किया, वो गया तो उसको कुछ मिले और कुछ नहीं मिले कॉलेज से, ठीक है। और ये कंट्री कैसी लग रही है आपको? प्यारी है, पूरा शेनेगन फील है इसमें। हाँ, इटली जर्मनी वाला। हाँ, मैं वहाँ गया था, मर्जा शिवली। मर्जा शिवली वो पूरा यूरोप है ना? हाँ, बस अभी जस्ट हम लोग वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, वहीं से आ रहे हो? मैं परसों गया था वहाँ पे, बहुत अच्छा बना हुआ है। और यूरोप में तो आई गया जॉर्जिया, शेनेगन में भी एंट्री नहीं हुई, मे बी इन फ्यूचर हो जाएगी क्योंकि हो है ना, यूरोप में तो आ ही गया है, गूगल पे सर्च करोगे तो यूरोप में आ रहा है। तो दोस्तों ये थे अपने इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पे स्टडी कर रहे, काफ़ी कुछ इन्होंने बताया मुझे यहाँ के बारे में, और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है यहाँ पे, लोग ओपन माइंडेड हैं। इंडिया को लेके छिड़ते तो नहीं इंडियन से? है कुछ लोग हैं ना, लोग हमेशा रहता है, बाकी सब एकदम फ्रेंडली अच्छे से बात करते हैं, हेल्पफुल है। रशियन भी रहते हैं, जॉर्जियन रहते हैं, तो कौन ज्यादा सपोर्टिव है आपको? सर जिम जाते हैं तो वहाँ रशियन जो है वो है सपोर्टिव है, जॉर्जियन भी सपोर्टिव है, पर कुछ लोग हैं जो नहीं है, कुछ लोग हैं मतलब जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो मतलब पुराने ख्यालात जो लोग हैं। ओके, वो हर जगह है, कजाकिस्तान में मिले नेचर थोड़ा वैसे, बाकी यंग लोग सपोर्टिव हैं। तो ये हर कंट्री में ऐसा ही हो रहा है, जो थोड़े ओल्ड एज हैं वो थोड़ा सा चिढ़ते हैं, मतलब सारे नहीं, 100 में से हाँ 100 में से 15-20% लोग हैं जो थोड़ा चिढ़ते हैं, फेस बनाते हैं, बाकी 80% लोग यहाँ पर अच्छे हैं। तो आप लोग भी आइए अगर आपको स्टडी करनी है यहाँ पर, क्या फीस क्राइटेरिया है वो बता दिया आपको, और ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ता है एडमिशन के लिए या कैसे करना पड़ता है? बहुत सारे अपने वो रहते हैं एजेंट्स, कंसल्टेंसी है, बाकी आप डायरेक्ट यहाँ भी वो कर सकते हो।
डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। तो आपको एडमिशन से लेके कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अर्निंग सोर्स भी अच्छा है, कंट्री भी बहुत अच्छी है, एक साल का TRC मिल जाएगा पहले साल, उसके बाद 5 साल का रिन्यूअल हो जाएगा, हाँ, है ना, तो उसमें आप जॉब भी कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद जय हिंद।